हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके मेरे चैनल अग्रवाल ऑटो वर्ल्ड में। मेरा नाम है अमोघ अग्रवाल। तो एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की डिज़ायर, जो रिसेंटली अभी नई लॉन्च करी है मारुति की तरफ से। ये इसका VXI वेरियंट है। VXI वेरियंट में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं मारुति की तरफ से और क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिल जाते हैं, आज उन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है मारुति की डिज़ायर जो अभी नई नई लॉन्च करी है मारुति ने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ। फ्रंट से ऐसी दिखेगी आपको, ज़्यादा चेंजेस नहीं करे मारुति ने। ये इसका VXI वेरिएंट है। फ्रंट में आपको ये बड़ी सी ग्रिल मिलेगी अब देखने के लिए, बीच में आपको मारुति का लोगो और ये क्रोम से सराउंडेड होगी पूरी ग्रिल। फ्रंट में आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलेंगे इंडिकेटर के साथ और नीचे आपको फॉग लैंप भी नहीं मिलेंगे और फॉग लैंप के ऊपर आपको क्रोम की हाउसिंग मिलेगी। लेकिन काफ़ी फ्रेश लुक लगता है डिज़ायर का कंपेयर टू प्रीवियस वन। साइड से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है डिज़ायर में। ये आपको अपोलो के रिम व्हील्स मिलेंगे जिसका साइज़ है 165/80R14। 14 इंची के व्हील्स मिलेंगे आपको। ऐसे दिखते हैं साइड से, ज़्यादा चेंजेस नहीं करे साइड से मारुति ने। ये आपको ORVM पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे आपको। बैक प्रोफाइलिंग की बात करें तो ऐसा दिखता है इसका बैक प्रोफाइल। ये मारुति का लोगो, डिजायर की ब्रांडिंग, बीच में आपको बड़ी सी क्रोम लाइनिंग, ये स्केलेटी टेल लैंप्स और 4 सेंसर्स मिलेंगे आपको बम्पर पर। बूट पे आपको कहीं भी की से ओपन करने का सॉकेट नहीं मिलेगा, तो आपको अंदर से ही ओपन करनी पड़ेगी बूट। ऐसा है इसका बूट। ये आपको बूट लैंप मिलेगा देखने के लिए। स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील आपको ऐसा मिलेगा। ये आपको 14 इंचेस का मिलेगा। यहाँ मारुति ने कॉस्ट कटिंग करी और 14 इंचेस का रिम व्हील दिया आपको। अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, रिम व्हील मिलेगा, वो भी 14 इंचेस का। टायर ही अपोलो का ही है, अपोलो का टायर मिलेगा। क्वालिटी आपको सेम मिलेगी, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको जैसे आपको हर मारुति गाड़ी में मिलती है। ये इसका कॉस्ट कटिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको कोई भी पैडिंग भी नहीं मिलती है बूट लिड पर। VXI वेरिएंट में आपको डिफॉगर्स भी नहीं मिलेंगे। ये इसका एंटीना। ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर। फ्रंट डोर पर आपको ब्लैक और बेज की ट्रीटमेंट मिलेगी। ये इसके क्रोम डोर हैंडल्स। VXI वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलेंगे और इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये डोर लॉक अनलॉक का स्विच, चाइल्ड लॉक सेफ्टी बटन और चारों पावर विंडोज। नीचे आपको बॉटल होल्डर और थोड़ा सा सामान रखने के लिए जगह मिलेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लॉथ फिनिश मिलेगा, ये डोर पैड पे ये भी क्लॉथ फिनिश है, ये भी क्लॉथ फिनिश है। ये इसका स्पीकर। ऐसी की डिजायर की सीट्स। VXI वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको बैकरेस्ट एंगल एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप अपना सीट एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। ये इसके पैडल्स, ये बूट लिड और फ्यूल लिड ओपन करने का स्विच। ऐसे दिखती है इसकी सीट्स, बेज कलर में आपको मिलेगा और ऐसे इसका फैब्रिक है, इस फैब्रिक डिजाइन के साथ मिलेगी आपको। चलिए अंदर बैठते हैं।
ऐसा दिखता है इसका VXI वेरिएंट का स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको। स्टीयरिंग व्हील पे आपको मोड के, वॉल्यूम के, ट्रैक सी करने के और ये म्यूट का बटन मिलेगा। लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स, राइट में हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स। और ऐसी दिखती है इसकी MID, ये इसका स्पीडोमीटर। AC वेंट्स, ऑटो ऑन ऑफ का बटन और हेडलाइट लेवलर। तो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, इसको ऑन करते हैं। लेफ्ट में आपको RPM मीटर मिलेगा, राइट में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और बीच में आपको MID मिलेगी। यहाँ से आप अपना ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, इस बटन से आप अपना ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। MID में आपको फ्यूल लेवलर मिलेगा, किलोमीटर एवरेज मिलेगी, रेंज मिलेगी, ट्रिप ए और ट्रिप बी। ऊपर आपको टाइम मिलेगा। सिंपल सा है लेकिन एलिगेंट लगता है इसका MID। इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल काफ़ी एलिगेंट लगता है। ऐसी इसकी टिल्ट ID। ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर्स। ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। ये आपको AC वेंट के ऊपर आपको सिल्वर एक्सेंट्स मिलेंगे जो प्रीमियम लुक देते हैं। ये आपको वुडन फिनिश मिलेगा, ये प्लास्टिक है लेकिन आपको वुडन फिनिश में मिलेगा। वुडन फिनिश की चेंजेस करेगा वुडन फिनिश में। यह आपको सेम मारुति का म्यूजिक सिस्टम, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, CD, AM सब फीचर्स मिलेंगे आपको। नीचे आपको मैनुअल कंट्रोल AC के, इसके नीचे आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ऑक्स और USB का स्विच, ये कुछ सामान रखने के लिए, दो कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप कुछ कॉइन्स रखने के लिए स्पेस है। ये इसका हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ। गियर बूट पे आपको लेदर फिनिश मिलेगी। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ज़्यादा डीप ग्लव बॉक्स नहीं है लेकिन आप इजीली सामान रख सकते हैं अपना, कार के डॉक्यूमेंट्स और अदर छोटे मोटे आइटम। सनवाइजर की बात करें तो आपको वैनिटी मिरर मिलेगा सनवाइजर के ऊपर पैसेंजर साइड। ये इसके लाइट के कंट्रोल्स। ये मैनुअल एडजस्ट के साथ IRVM। ड्राइवर साइड सनशेड के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलेगा, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। इसके वाइपर के कंट्रोल्स सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलेंगे जो इजीली कंट्रोल कर देते हैं। चलिए पीछे की बात करते हैं। ऐसे दिखता है इसका पीछे का डोर, सेम ब्लैक और बेज ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा। ये आपको प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे कोई भी डोर पैड पे आपको कोई भी क्लॉथ नहीं मिलेगा। ये इसका बॉटल होल्डर, पावर विंडो का स्विच, क्रोम डोर हैंडल्स और स्पीकर। चलिए बैठ के देखते हैं नए डिजायर में। ये सीट्स मैंने पूरी पीछे करी हुई हैं, तभी डिसेंट स्पेस है मेरे लिए, लेग स्पेस की ज़्यादा इशू नहीं आएगा इसमें। मैगजीन होल्डर नहीं मिलते हैं आपको। पीछे आपको AC के वेंट्स मिलेंगे और ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट। ये आपको आर्मरेस्ट दो कप होल्डर्स के साथ मिलेगा। ये आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी जैसे मारुति की सभी गाड़ियों में आती है। और ये आपका ग्रैब हैंडल्स। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर ज़्यादा हम्प नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम्प है, लेकिन 3 लोग आसानी से इसमें इजीली बैठ जाएंगे, उनको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ये इसकी सीट्स, 3 लोग आसानी से इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ज़्यादा इशू नहीं आएगा। कंपेयर टू अमेज इसमें कम स्पेस है रियर में, लेकिन आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं 3 लोगों को। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो मारुति की डिज़ायर लेना चाहते थे। दिखाइए उनको वीडियो को कि VXI वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं।
और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियोज़ लाता रहूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो एंड करते हैं इसी नोटिस के साथ कि हम जितना भी कूड़ा या कचरा है वो गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे, कार डस्टबिन यूज़ करेंगे या फिर पॉलीथीन यूज़ करेंगे कचरे को फेंकने के लिए, और जब भी कहीं रखेंगे तो उसको हम डंप कर देंगे उस कचरे के डब्बे में। टेक दिस स्मॉल इनिशिएटिव टू नॉट टू थ्रो गार्बेज ऑन रोड और रोकेंगे उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। चले मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।